मसीह में सबको सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजा गौरी। आप देखिए प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम साथी हाथ बढ़ाना, हम अपने प्लेटफॉर्म पर जब ऑन एयर करते हैं तो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो हैं दिल खोल कर हेल्प करते हैं, और ये प्रोग्राम हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनको किसी न किसी तरीके से हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी कोई बीमार है या कोई ऐसे मसाइल हैं जहाँ पर फ़ंड की ज़रूरत होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, वाइल्ड स्टोन मिनिस्ट्री है, उन्हीं का चर्च है क्रिश्चियन टाउन के अंदर, और उन्हीं की तरफ से यहाँ पर सिलाई सेंटर खोला गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएगा, सारे बहनें यहाँ पर बैठी हैं, 40 के करीब यहाँ पर स्टूडेंट हैं, और यहाँ पर ज़्यादा तादाद जो है बच्चियों की, कुछ वो पढ़ी लिखी भी हैं और कुछ बहनें जो हैं दूर से भी आ रही हैं, यानी कि ये ग्रीन टाउन के अंदर हैं और काने से भी कुछ बहनें यहाँ पर आके सीख रही हैं। सिलाई सेंटर में बच्चियों को आने का मकसद यही है कि हम अच्छे तरीके से काम सीखें और एक अच्छी रोज़गार घर बैठ के कमा सकें, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के अंदर इस तरह होता है कि बच्चियाँ जब या माएँ घरों के काम करने के लिए बाहर जब निकलती हैं, उन घरों के अंदर बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बेटी है जो शक्ल से खूबसूरत लग रही है तो घर वाले क्या कर रहे होते हैं कि एक बुरी नज़र रख के उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे ऐसे वाक़यात जब होते हैं जिसमें जबरी मज़हब तब्दीली, जबरी शादी, वो ये सारे के सारे जो वाक़यात हैं इसी तरह ही शुरू होते हैं। तो मेरा कैमरा मैन दिखाएगा, यहाँ पर बहुत सारी बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, और कुछ बेटियाँ तो यहाँ पर इंटर भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, कुछ बेटियाँ मैट्रिक कर रही हैं, कुछ 9th में हैं। और ये मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, राइट साइड पे देखेंगे कि ये जो बच्चियाँ हैं इनकी उम्रें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर जज्बा यही है कि हम कोई ना कोई काम सीखें ताकि जब कल को हमारी शादी हो तो हम अच्छे तरीके से रोज़गार कमा सकें। और कुछ जो हमारी बहनें हैं जो इस वजह से भी काम सीख रही हैं कि हम, अगर हुनर कोई भी हो, इसमें उम्र अकाउंट नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी काम सीख लेते हैं। और ये जो वाइल्ड स्टोन मिनिस्ट्री की तरफ से ये आज़म किया गया है कि हम लोग अपनी बहनों के लिए, मसीही कम्युनिटी की बच्चियों के लिए ये सिलाई सेंटर जब शुरू कर रहे हैं, तो इनका मकसद यही है कि हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे और हमारे जो स्कूल हैं फ्री, वो कुछ और शहरों में भी खुलेंगे। जिस तरह आज यहाँ पर 10 मशीनें हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अटेंडेंस भी लगती है और एक प्रॉपरली एक बंदा है जो इन बच्चियों की ट्रेनिंग कर रहा है। मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि एक पढ़ी लिखी बच्ची भी है जो कि मार्केटिंग को समझती है, और जब इन्होंने इस स्कूल को चलाने के लिए कोशिश की कि हम क्यों ना स्कूल को चलाएं और आने वाले फ्यूचर में हम किस तरह रोज़गार कमा सकते हैं फ्लाई सेंटर के लिए और दूसरा बच्चों के लिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घरों से बच्चों को भी साथ ले आते हैं ताकि ये फिक्र ना हो कि हमारे बच्चे बाहर निकल कर कहीं इधर उधर ना चले जाएं। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं बच्ची, उनसे भी बात करवाऊँगा, और मेरा ख्याल है कि इस तरह के सिलाई सेंटर बनने चाहिए ताकि हमारे जितने भी रोज़गार कमाने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपनी बच्चियों को घरों में बिठा कर ये रोज़गार सिखाते हैं तो वो आने वाले फ्यूचर में एक बेहतर साबित होगा। तो आइए ज़रा स्टूडेंट से भी बात करते हैं, तो यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करते हैं कि जिन्होंने ये जगह भी दे दी है चर्च के अंदर ही, और यहाँ पर चर्च भी होता है और उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई सेंटर भी शुरू कर दिया है। तो आइए ज़रा डिटेल से बात करते हैं जी। भाई साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप फाउंडर चेयरमैन भी हैं अपनी मिनिस्ट्री के, तो किस तरह आपने सोचा कि हम यहाँ पर अपनी बहनों के लिए सिलाई सेंटर फ्री खोलें और वहाँ पर जो ट्रेनिंग ले बचेंगे जब, तो अपने घरों में जाकर रोज़गार कमा सकें? जी साजिद भाई, मैं जब विज़िट के लिए लोगों के घरों में जाता हूँ
और मैं मुश्किल हालात को देखता हूँ और बहुत सारी बहनें जब मैं शाम को विज़िट पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो थकी हारी अपने कामों से आती हैं और मुझे ये भी उनके सुनने को मिलता है कि जो हमारे मालकान हैं वो हमसे बुरा सलूक करते हैं, अच्छा सलूक नहीं करते। और मुझे इस बात पर ज़्यादा और परेशानी होती थी कि जो माएँ हैं वो अपनी छोटी बच्चियों को भी साथ लेकर जाती हैं, और हम हालात को भी जानते हैं कि यही छोटी बच्चियां जो हैं जब वो बड़ी होती हैं तो उनके साथ फिर ज़्यादतियाँ होती हैं, जुल्म होता है। और ये बात जो है वो मेरे जहन में थी कि हम इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बच्चियां, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए हम रोज़गार, ऐसा रोज़गार मुहैया करें जो खुद घर में बैठ कर बाइज़्ज़त तौर पर जो है वो इस रोज़गार को चला सकें। और मैंने खुदावंद के हुज़ूर ये दुआ रखी कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि हम जो है वो अपनी बेटियों और बहनों के लिए ऐसा रोज़गार मुहैया करें। और सिलाई सेंटर का जो रोज़गार है वो मेरा जो है वो इस बात पर जहन में आया और मैंने बहन से बात भी की तो उन्होंने दिल खोलकर हमारे लिए काम किया है कि हम जब वो इस काम को शुरू कर सकें। और इस तरह से ये बात मेरे जहन में आई कि हम अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो है वो सिलाई सेंटर का काम जो है वो शुरू करें ताकि वो सीखें और बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कमा सकें। जी नाज़रीन, देखा जाए तो हमारे कम्यूनिटी में बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा काम करना हो तो टीम भी इकट्ठी की जाती है और साथ ही साथ एक पॉइंट होता है मार्केटिंग का, जो आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमारे साथ एक बहन भी साथ मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह आपने सोचा कि ये सिलाई सेंटर होना चाहिए चर्च के अंदर और किस तरह इसकी मार्केटिंग करेंगे, फ्यूचर प्लान क्या है, बताइएगा ज़रा। थैंक यू वेरी मच आपका मौका देने के लिए। सो सबसे पहले शुक्रगुजार हैं आपका और वाइट स्टोन गॉस्पल मिनिस्ट्री का, पास्टर जी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। सो मैं वाइट स्टोन मिनिस्ट्री में यूथ में काम करती हूँ और मैं इनकी बाइबल टीचर हूँ। सो बच्चों के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से उनके वालिदैन से भी ताल्लुक़ है और अक्सर चर्च में आना जाना होता है, तो बहुत सारी बहनें जो हैं अक्सर कहती हैं बहन हमारे लिए दुआ करें, हमें काम मिल जाए, हमें काम मिल जाए। और ऑलमोस्ट कलीसिया का 60-70% वुमेंस हैं हमारी, वो लोगों के घरों में जाके काम करती हैं। तो अक्सर हम लोग, पास्टर जी भी दुआ करते हैं, मैं भी, तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग के पास एक ऐसा अदारा होना चाहिए जहाँ पे इन्हें ट्रेन किया जाए और यहाँ से ट्रेन होने के बाद ये लोग अपने लिए एक अच्छा रोज़गार कमा सकें। सो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक स्विंग सेंटर का आगाज़ करते हैं। सो हमारे पास इक्विपमेंट बच्चों की तादाद के मुताबिक कम है, आपने देखा हमारे पास 40 से प्लस स्टूडेंट हैं और हमारे पास 10 मशीनें हैं, लेकिन हमने कहा कि हम इससे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे स्टार्ट करके हम मेयारी लेवल पर सिखाएंगे। सो ये था कि हम लोग मार्केट के मुताबिक और मार्केट के तमाम जो बातें उन पर पूरा उतर सकें। तो उसके लिए मुझे ये था कि यहाँ पे एक बेहतरीन टेलर आए जो बच्चियों को इस लेवल पर ट्रेन करे कि उन्हें एंड पे दर्जन ना कहा जाए, उन्हें एक अच्छा टेलर कहा जाए। तो उसके लिए फिर हम लोगों के एरिया के एक बहुत ही अच्छे नाम है उनका भाई जॉन, उनसे बात की पास्टर जी ने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारी बेटियों को आके सिखाएं। इसके पीछे मेरा आइडिया ये है कि यहाँ पे जैसे ही ये लोग ट्रेन हो और इनके लिए एक यूनिट बनाया जाए जहाँ पर ये स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के यूनिफॉर्म, उनके चादरें, इस तरह की तमाम चीज़ें जो स्विंग सेंटर में सी जा सकती हैं, की जा सकती हैं, इनके लिए एक यूनिट बनाया जाए, ये वहाँ पर काम करें मियारी लेवल का और वहाँ से पैसे अर्न करें, इन्हें मंथली वहाँ से मिले, इन्हें लोगों के घरों में जाकर काम ना करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप लोग के सामने भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, हमारे सामने भी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि यहाँ से ट्रेन हो और अपने लिए कमाएं, और अगर कोई यूनिट में काम नहीं भी करता तो अपने घर में बैठ के भी अच्छा रोज़गार कमा सकता है। स्टिचिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा अर्निंग के लिए एक अच्छा स्टेप है और बहुत ज़्यादा इसका काम जो है बढ़ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से हम लोग इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करें। अच्छा, इसका प्लान है कोई आने वाले फ्यूचर में आप
जिस तरह आप क्रिश्चियन टाउन में बनाई है आपने सिलाई सेंटर, इसके अलावा किन किन शहरों का बनाने का प्लान है आपका? जी बिल्कुल, जब मैंने ये ओपन किया, हमारे पास यहाँ पर लड़कियाँ काने से भी आती हैं और दूर दूर से रिक्शा करवाती हैं, कईयों के फादर उन्हें छोड़ने आते हैं, आपने देखा कईयों की वालिदा यहाँ पे बैठी हुई हैं कि बच्चियाँ सीखें और उन्हें यहाँ से लेके जाएं। सो सबका यहाँ पे आने का मकसद इतनी दूर से ये है कि यहाँ पे मियारी लेवल पर सिखाया जा रहा है। ठीक है, सो मेरा यही है कि ये यहाँ से सीखें और दूसरी जगह पर भी ये लोग ट्रेंड होते हैं वहाँ पर भी इस लेवल का। अच्छा, अभी तक आपने लेसन शुरू किया है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है फिल फॉर? अब हम लोगों को एक काउंटर की ज़रूरत है, हमारे पास काउंटर नहीं है, आप देख रहे हैं मशीन इन्होंने नीचे रखी हैं, जितने हम लोग के पास हम लोगों ने उसे यूज़ किया, तो अगर काउंटर हो तो ये उस पर मशीन्स रख के काम कर सकती हैं, और इस हमारे टेलर के पास एक काउंटर हो तो ये उस पर रख के इनको कटिंग सिखा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ हम अपने लोकल रिसोर्सेज को इन चीज़ों के लिए। अच्छा, ये डिज़ाइन बनाया गया, ये डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये अभी यहीं से तैयार हुआ है? जी बिल्कुल, मैं खुद यहाँ पे सुपरवाइज करती हूँ और अच्छा। जॉन भाई साथ होते हैं, एक एक चीज़ पर नज़र की जाती है, जब तक कोई अपना स्टेप बिल्कुल क्लियर नहीं कर लेता हम उसे नेक्स्ट चीज़ नहीं सिखाते हैं, लेकिन उनको एम्पावर करते हैं, इनक्रेज करते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, इसका नतीजा ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और सीख रहे हैं, और उनके टीचर का भी ये कहना है कि मुझे स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, उन्होंने इतने दिन में ट्राउजर सारा कुछ सिया, ये आपके सामने है। जी जॉन भाई, ये बताइएगा कि किस तरह आपने सोचा कि अपना टाइम निकाल कर आप ये फ्री जो सिलाई सेंटर है मसीह बच्चियों के लिए उसको टाइम दे सकें? काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए टाइम निकालना, क्योंकि दो बच्ची हैं छोटी और उनके लिए भी फिर आपको पता महंगाई कितनी है, तो पास साहब को पहले मैंने तो पास साहब को एक दफ़ा ना कर दी, मैंने कहा पास साहब बड़ी मुश्किल है, मैं टाइम नहीं दे सकूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है कारोबार आजकल, सीज़न है मेरा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम से निकाल कर फिर इधर आना, तो बस फिर पास साहब ने कहा जी जॉन साहब ये ना खिदमत है और बेटियाँ जो हमारी क्रिश्चियन है वो आपको दुआएं दें। आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये हमारे मसीह कौम का ही बेटा है जॉन, और अच्छा टेलर भी है, अच्छा काम कर रहा है, और इन्होंने सोचा कि जिस तरह भाई साहब ने ये जगह दे दी कि बच्चियों को यहाँ पे सिलाई सेंटर बनाया जाए, उनको सिखाया जाए, और साथ ही साथ हमारे भाई हैं जॉन, उन्होंने भी यही कहा कि मैं आपको दो घंटे दे सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये अपने दो घंटे अपनी मसीह कौम की बेटियों को दे सकते हैं तो हमें मिलकर इनका साथ देना चाहिए, और जो जो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं वो भी मसाइल के सामने हैं जॉन भाई के, कि इनको जाहिर सी बात है अगर ये दो घंटे वहाँ से निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो इनको पे करना चाहिए, इन द फ्यूचर अगर ये प्लान भर जाता है तो इस प्लान में तकरीबन हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं मुखिया हज़रात उनको मिलने की ज़रूरत है, इनको फिल फॉर जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट करती हैं नीचे नंबर इनका लिखा हुआ है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनको पूछ सकते हैं कि ये किस तरह जो जो चीज़ें इनको चाहिए वो किस तरह प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी हमारे मुखिया हज़रात हैं मैं चाहूँगा कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चियाँ यहाँ पर, बहनें यहाँ पर, माएँ यहाँ पर अगर आके सीख रही हैं तो अपने बच्चों के लिए सीख रही हैं, ताकि अपने बच्चों के लिए ये रोज़गार अच्छा कमा सकें, तो मेरे ख्याल एक फ़र्ज जो घर का वो अगर कमाता है तो उससे गुजारा अगर नहीं होता तो घर का दूसरा फ़र्ज भी साथ कमा ले तो बच्चों का अच्छा फ्यूचर सामने आता है, तो मेरे साथ एक भाई भी मौजूद हैं तो मैं इनसे ही पूछूँगा कि आपका क्या प्लान है इस फ्री सेंटर स्कूल के लिए? हाँ जी, शुक्रिया साजिद भाई आपका, आपका मौका देने का और आपका यहाँ पर आके इस सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का और टीवी पर चलाने का, मैं नहायत ही दिल से आपका और नेशनल न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, भाई तारिक का, भाई बाबर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पर आए। अब मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है, एक बहुत ही बड़ा कदम है जो उठाया गया है अपनी कम्यूनिटी के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, जो कि आज के वक्त में ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई लड़की किसी के घर में काम करती है वहाँ पर अगर वो मंथली 5000 ले रही है, सपोज़ अगर वो यहाँ से सीख के डेली 2000 रुपया कमा रही है तो वो महीने पे ज़्यादा 60000 रुपये
कहाँ पे 5,000 और कहाँ पे 60,000। तो ये एक बहुत अच्छा जो कदम उठाया गया है, यानी कि ये अगर यहाँ से सीख कर जाती हैं तो एक गुड अर्निंग जो है वो कमा सकती हैं। जैसे कि किसी के घर में जाके 5,000 या 10,000 पे काम करें, एक तो काम भी अपना होगा, घर में भी अपने होंगे, अपने बच्चों के सामने होंगे, दूसरा अर्निंग भी ज़्यादा करेंगे। जब अर्निंग ज़्यादा करेंगे तो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करेंगे, जब फैमिली अपलिफ्ट होगी तो बच्चे इस्टेब्लिश होंगे, बच्चों की एजुकेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगी, बच्चे कल को अच्छी तालीम जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो मैं ये पास्टर सिकंदर को और सारा जाहिद को, भाई जॉन को मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही उमदा किस्म का एक कदम जो ना उठाया है अपनी कम्यूनिटी के लिए। मैं इनके लिए दुआगो हूँ कि खुदा इनके जो प्लान्स हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाए। एक यूनिट डालना चाहते हैं, मज़ीद आगे वर्क करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो हमारी ये दिल से दुआ है कि ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें और खुदा इनको ऐसे ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहें। ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, उन्होंने कहा था तो मैं उनसे भी बात करूँगा कि वो कह रहे थे कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो बच्चियाँ या बेटियाँ बाहर घरों में जाती हैं या किसी बाहर काम करती हैं पार्लर का या किसी और जगह पर, तो ज़्यादातर वहाँ पर उनको जो है ना पहला स्टेप ये कहा जाता है कि आप तो क्रिश्चियन लगती नहीं, ये पहला वार होता है इनका। फिर उसके बाद अदर उसे कहते हैं कि आप मुझसे बात करेंगी, फिर अगला स्टेप होता है कि आप कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाती, आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए फिर इस तरह के अगर स्कूल खुल जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारी मसीह कौम की बेटियाँ माएँ बहनें बच जाएंगी और घरों में महफूज होकर अच्छा रोज़गार कमाएंगी। तो आइए ज़रा बच्चियों से भी बात करते हैं जो पढ़ी लिखी हैं और काम सीख रही हैं, और उन बहनों से भी बात करते हैं। मसीह में आप सबको सलाम। मैं भी यही बताना चाह रही हूँ कि जब मैं पार्लर का सीख रही थी तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे कस्टमर आते थे कि हमें बोलते थे कि आप मसीही लगती नहीं है, आप क्रिश्चियन लगती नहीं है, अपना मज़हब चेंज कर लें। तो मैं उनको हमेशा यही पूछती थी कि मसीही और मुस्लिम में आपको क्या फ़र्क लगता है, आप ये बात क्यों करते हैं कि आप फेस से, जब आप फेस से ना लगती नहीं है क्रिश्चियन। मैंने कहा अभी आपने क्रिश्चियन देखे नहीं है कि बहुत खूबसूरत होते हैं, तो आप किस मकसद से कहते हैं। तो वो काफ़ी लालच भी देते थे, और कुछ कस्टमर बहुत अच्छे भी आते थे कि कहते थे कि जब कोई काम करवाना हो तो ज़रूरी नहीं हर कोई मज़हब को देखे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ सिलाई सीखने का, मुझे शुरू से शौक था, तो यहाँ पे आई हूँ। भाई बहुत अच्छा सिलाई सिखाते हैं, अक्सर सिलाई सेंटर में जाएं कहीं पे भी जाएं तो सबसे पहले वो हमें सुई उठाना बताते हैं, फिर तकरीबन 2-3 महीने वो कहते हैं जी अखबार लेके आएँ, उस पर कटिंग सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, प्रॉपर तौर पे हमें आगे नहीं जाने देते। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी, हमें एक हफ़्ता हो गया यहाँ पे आए हुए, और मैंने एक हफ्ते में यहाँ पे अपनी बेटी का सूट भी सिलाई किया और कटिंग भी सीख गई हूँ। कि मैंने इंटर किया हुआ था तो मेरा ये फ्यूचर प्लान था कि अगर मैं सिलाई सीख लूँगी तो मैं फैशन डिज़ाइनर भी बन सकती हूँ, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के जो सीट्स वगैरह होती हैं वो नहीं मिलती, मुस्लिम्स लोगों को अगर हमारी निस्बत देखा जाए तो ज़्यादा सीट्स पर बिठाया जाता है, इस वजह से हम लोग पढ़ के ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इंटर करके हम लोग फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस वगैरह। हमने इसीलिए सिलाई सेंटर का सोचा है कि पहले तो मैंने स्टडी की है, उसके बाद मेरे घर वाले, मेरी मम्मा भी सिलाई करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी अगर सिलाई करूँगी तो कुछ ना कुछ बन जाऊँगी। ज़रूरी स्टडी नहीं करना होता, स्टडी के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम लड़कियों को सीखने चाहिए। ये मेरा ये था कि अगर मैं सीख लूँगी तो जो लोग नहीं ज़्यादा पे कर सकते और वैसे भी ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, अगर मैं सीख लूँगी तो दूसरों को सिखाने वाली भी बन सकूँगी और दूसरों के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करने के काबिल बन सकूँगी। तो मैंने इसलिए ये सीखा, मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा कि यहाँ पर सीखेंगे, यहाँ पर मियारी लेवल का सिखाया जा रहा था और यहाँ पर सब कुछ फ्री था, और वैसे भी मैंने सोचा कि मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक था। मेन फ्यूचर ये कि मैंने बेसिक पहले भी सीखा हुआ और वहाँ पे जो है वो फीस ली जाती थी और उन्होंने इतना ही
जो आम दर्जनें सिलाई करती हैं उन्होंने हमें वो ही सिखाया था। और उसके अलावा मैंने जो सीखना चाहा था इंटरनेशनल लेवल पर लेकिन ना उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्रिश्चियंस को के लिए कोई सीट नहीं है तो आप नहीं यहाँ पे सीख सकते, तो सिर्फ मुस्लिम के लिए। लेकिन यहाँ पे जब मुझे पता चला कि आप ही सिखा रही हैं यहाँ पर, उन्होंने दारा ओपन किया है और यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल जैसे बुटीक में काम होता है वैसे ही यहाँ पर सिखाया जा रहा है। इसी में आप सबको सलाम, मैं ये बताना चाहती हूँ इसलिए हमने ये काम सीखा है कि इतनी महंगाई है, टेलर की सिलाई 2000-1500 है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। घरों में सिस्टम कुछ इस तरह का है कि बेरोज़गारी भी है और कुछ बाहर काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम लोग ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं कि हम अपना एक यूनिट बनाए जो हमारे सारे हैं और जो हमारी वो सारा है, तो उसके साथ हम मिलके जो बच्चियां काम सीख जाएंगी हम यूनिट बनाएंगे, हम बाहर से ऑर्डर पकड़ेंगे, काम सीखेंगे और हम उसे पैसे घर बैठ के यूनिट में बैठ के कमाएंगे, हमें बाहर दिख के खाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक जगह पे यूनिट पे बैठ के काम कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम स्टाफ इन हॉस्पिटल एंड नाउ डे आई एम ऑन नाइट ड्यूटी। तो मैं इधर से गुजर रही थी, ये हमारे चर्च में पास्टर साहब हैं, पास्टर सिकंदर, तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोगों बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे थे, तो मैं एज ए शौक किया तौर पे मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया इन लोगों के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत अच्छी गुड इन्वायरमेंट है, सेफ है, बच्चियाँ यहाँ पे आएँ, पेरेंट्स अपने बच्चियों को यहाँ पे भेजें ताकि वो अपना लर्न कर सकें और अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी वेल कर सकें। ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है कि वो लोगों के घरों में ना जाएँ ताकि दूसरों की और लोग उनकी तजलील ना कर सकें और अपने अच्छे तरीके से अपना अर्न कर सकें, अपने लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड। बहुत अच्छी सोच है पास्टर साहब की, सारा की, सना की, ये सारे लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जॉन भाई बहुत अच्छे तरीके से कटिंग करते हैं, वो क्या कहते हैं ट्राउज़र की और बाजू की, तो मैंने तो कभी सीखी भी नहीं है, मुझे भी वहाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरे से सबको सलाम, हम बहुत दूर से आते हैं, हमें ये अच्छा लगा, हम इधर से सीखने आते हैं, बहुत फ्री हमें सिखा रहे हैं और सफ़र करके आते हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो बड़ी मुश्किल होता है, फिर हम फिर भी दुआ करके आते हैं खुदावंद हमें कुछ आ दे, फिर हम बहुत आ जाते हैं जल्दी। ऐसा एक और भाई मौजूद है जो कि कई दुकानों पर गए हैं, कभी टायर शॉप पे, कभी कटिंग शॉप पे, तो वहाँ पर लोगों ने यही कहा कि तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं सिखाएंगे। लेकिन जब इसको पता चला कि यहाँ पर सिलाई स्कूल बन गया है फ्री हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर आकर काम सीखूँगा। तो बेटा ये कितना काम सीख रही है अभी तक? सारा सीख गया है, सारे उत्थे काम भी करते हो, उत्थे मारते हो, सारे भाई ने इतने मैंने काम ला दिता, सारे जानू भाई ने इतने काम रखे है। आप देख सकते हैं कि बच्चा इसी तरह बोल ही सकता, लेकिन इसकी आवाज़ की वजह से शायद लोग इससे मजाक करते थे, वो दुकानों पर जाके कहते थे कि तुम क्रिश्चियन हो, हम तुम्हें काम नहीं सिखाएंगे, तुम चले जाओ वहाँ से। नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बहनों की बातें सुनी हैं, पूरी टीम की बातें सुनी हैं, और जहाँ पर हमारी मसीह कौम की बेटियाँ भी, बहनें भी यहाँ पर आके सीख रही हैं, कुछ बहनें तो सीख रही हैं कि शायद हम सीख के अपने घरों में बैठ कर अपने बच्चों के कपड़े सिलाई करें, ये भी अच्छा है कि अपने भी कपड़े सिलाई करें ताकि बाहर जो सिलाई देनी पड़ रही है वो बच जाए और घरों में बैठ के काम कर सकें। फ्री सिलाई स्कूल में एक हमारे भाई भी मौजूद हैं जो कि थोड़ा सा कमज़ोर भी हैं, जो टांगों की वजह से भी, और पोलियो नहीं है इनको, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन है कि जैसे लग रहा है कि इनको पोलियो है। तो मैंने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मुझे पोलियो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो है वैसे कमज़ोर हूँ, टांगे वगैरह मेरी कमज़ोर हैं, मैं चलते वक्त बस थोड़ी सी मुश्किलात होती है। तो ये भाई भी यहाँ पर सिलाई सीखने आ रहे हैं। तो भाई पहले भी आप करते थे कि अब यहीं से शुरू किया? नहीं नहीं, पहले भी मैं कर रहा था दुकान पे, 3 माह किया, तो उन्होंने कोई भी नहीं, उन्होंने सिर्फ झाड़ू टाकियाँ लगाई। अच्छा, वो मुसलमान शॉप थी इसलिए उन्होंने पहले ना ये टाकियाँ झाड़ू लगवा, ठीक है, सिर्फ तरपाई तक उन्होंने रखा, तरपाई सही भी कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि नहीं नहीं आप ऐसे ही रहो, 3-4 माह उन्होंने ऐसे ही रखा है, तो फिर मैंने इसलिए उधर से छोड़ दिया। फिर मैं फारिग था घर पर, तो ये आप ही ने मुझे कहा था ना सारा, आप ही ने कि आप ना मेरे पास आओ तो मैं आप फ्री कर रहे हैं हम, तो फिर मैं इधर आना शुरू हुआ हूँ, तो ये मुझे 2 वीक्स हो गए, तो इधर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया, ट्राउज़र तक आ गए हूँ, तो आगे भी उम्मीद है कि सारे सूत्री सारी जो बैठी हुई हैं बच्चियाँ भी बहनें भी, तो उसके अंदर आप अकेले बैठ के कुछ? नहीं नहीं, सारी मेरी आपियाँ हैं। अच्छा, मेरी आपियाँ, ठीक है, तो इन द फ्यूचर क्या करना चाह रहे हो?
कोई दुकान बनाओगे या किसी फैक्ट्री में जॉब करोगे? नहीं, अपनी शॉप का है कि अपनी शॉप खोलूँ। अच्छा, हाँ जी। और अपने जैसे मैं खुद सीखा हूँ फ्री, ऐसे ही अपने जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी उनको भी फ्री सिखाऊँ। तो नाज़रीन, जिस तरह ये भाई का भी आपने सारा तरीक़ाकार पूछा है और इनका भी यही अज़्म है कि मैं अगर काम सीखूंगा तो इस तरह मैं सिलाई स्कूल बनाऊंगा फ्री मसीह बच्चियों के लिए, बहनों के लिए। तो जिस तरह यहाँ की जो टीम है वो भी इस तरह ही कर रहे हैं, और बड़ा अच्छी बात है कि पास्टर सिकंदर साहब, सारा जॉन भाई और ये सारी टीम जो है ये फ्री सिलाई स्कूल को चलाने के लिए पुरज़्म है। और सिर्फ कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि अगर हमने प्रोग्राम करने यहाँ पर आए हैं तो इसी वजह से आए हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएँ। और जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो नीचे नंबर लिखा हुआ है, हमारे मुखय्यर हज़रात जितने भी हैं वो इनसे राबता करें, यहाँ पर क्रिश्चियन टाउन में आएँ, इनका जो फ्री सिलाई स्कूल है उसका विज़िट करें और जो जो चीज़ें इनको चाहिए वो उनको मुहैया करें ताकि मज़ीद ही आगे तरक्की करते रहें। और जितनी ज़्यादा हमारी मसीही बेटियाँ बहनें यहाँ पर आएँगी, सिलाई यहाँ से सीखेंगी और अच्छा रोज़गार तलाश करेंगी, और वो जो एक मशक्क़त है कोठियों की, घरों में जाए काम करने की, वो ख़त्म हो जाएगी। माएँ बहनें घर बैठकर काम जब करेंगी और अच्छा रोज़गार कमाएंगी। मैं दोबारा अपने मुखय्यर हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनसे राबता करके इनकी हेल्प करें और जो चीज़ चाहिए इनको दें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरा मैन तारिक तरह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।